ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं 2023 में भाद्रपद मास गणेश चतुर्थी कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं किस दिन चांद देखना वर्जित है और किस दिन गणेश जी की करें स्थापना। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भगवान श्री गणेश की उपासना का विधान है। इस दिन पूजा पाठ करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान गणेश की उपासना प्रथम देवता के रूप में की जाती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा को गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश को घर लाते हैं और विधिवत उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि, बल एवं बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कब मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर दोपहर 2:09 से 19 सितंबर दोपहर 3:13 तक रहेगी। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर्व 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को विदा किया जाता है। पंचांग में बताया गया है कि गणेश चतुर्थी पर्व का समापन इस वर्ष 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन होगा और इसी दिन देश भर में गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पूजा विधान। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर्व के दिन साधक सुबह स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। शुभ मुहूर्त के समय ईशान कोण में एक साफ चौकी पर नया वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और नित्य प्रतिदिन सुबह व संध्या काल में विधिवत उपासना करें। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आइए जानते हैं इस बार किस दिन चांद न देखें जिससे कलंक लगता है। 18 सितंबर या 19 सितंबर। चांद दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 18 सितंबर को 12:39 पर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। शाम के समय चतुर्थी होने से कलंक चतुर्थी का त्यौहार 18 सितंबर को मनाया जाएगा। भाद्रशुल चतुर्थी तिथि के संयोग में 19 तारीख में चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 1:43 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पंचांग के अनुसार दोपहर में चतुर्थी तिथि के कारण चतुर्थी का व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि कलंक चतुर्थी 18 सितंबर को रहेगी। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है।
धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा है कि इस रात को चांद के दर्शन करने पर भविष्य में झूठा कलंक लगने का डर रहता है। अगर इस दोष से बचना है तो चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्र के दर्शन हो जाएं तो आप जरा भी नहीं घबराएं। दोष को दूर करने के लिए गणपति की पूरे विधि विधान से पूजा करें। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें या उनकी सहायता करें। भविष्य में लगने वाले कलंक से बचने के लिए मंत्र सिंह प्रसेन मरद्वित सिंहो जाम्बवता हत सुकुमार मारोदिष्ट्व हृष्यमंतक का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ कपड़े पहने गणेश जी की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। इसके साथ ही धूप और दिया जलाएं। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति का शुद्ध घी सिंदूर हल्दी और चंदन का श्रृंगार करें। इसके साथ ही इसके बाद गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। श्री गणेश को फल और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक और लड्डुओं का भोग लगाएं। आखिर में कपूर जलाकर गणेश जी की आरती करें। आप 10 दिनों तक नियमित सुबह शाम पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दें। गजानन का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से ओम गं गणपतये नमः का पाठ करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।